अदा भी हमारे गांव जो ठेला ठेला नहीं जामी जो हम गांव गुठियार का दर में बातचीत करना चाहता ये बावन घर का बारे में और हमारा पंडित जी बड़ू ने जी से मेघे अंदर जी सिंह जहाँ उधर भी का जानकार जो श्रीमान गोविंद सिंह राणा जी से मेरे नौ जो पुष्कर सिंह राणा ये हमारे चाची से ना और हम ये के बारे में बात करना का आप जो यख गढ़वा यख गढ़वाल का बावनगढ़ है तो बावनगढ़ को सबसे पहले यख राजा कनक पाल आए पूछा धारा नगरी का परमार वंश का तो धारा नगरी से तो जब से वो का परमार वंश पहले क्या वो एक शुद्ध रूप नाम के था एक परमर से परमार हुए परमार से परमार हुए तो ये पवार वंश जो आज टीरी को मानो इंद्र शाह नरेंद्र शाह ये सब वही परिवार का सब वही सब लिख दन नहीं हुआ अच्छा तो शाह लिख दन हाँ तो शाह किरे लिख दन वो क्योंकि दोस्त से ही हमेशा मुसलमान कर रही दिल्ली का राजा कर रही ये मुगल मुगल बादशाह कर रही तो हमेशा दोस्त रही और उनका भी यह उन्हें करे टीरी पर टीरी का गढ़वा पर कभी चढ़ाई नहीं करी वो टाइम पर तो चढ़ाई नहीं कर दी एक बार वो राजा दिल्ली को जो सुल्तान था ना वो ओन सोई शिकार क्या ना थे कोटवार वगैरह भागर वगैरह वे जंगल में तो यही बार ये नहीं कि वे हमें तो याद दी जो ना कुछ बात सासु में लिखी हुई चीज़ है कुछ बात सासु और कुछ राजा सासु तो वो गए वो शिकार खेलना गए नहीं दुई और शिकार खेले तो वो एकदम वो एक रेंज में गए शेर का बादशाह मतलब वो एकदम जब तक मानी वॉल जो खत्म हो जाओ तब तक ये ना गोली चलाए तीर चलाए तीर मारा ये मारा गया ना गढ़वाल का तो वो बच गए तो वो बहुत खुश हुए हम पर तब वह ना अपनी पदवी दी होते शाह अच्छा तब तब आप शाह लिख देना होते टेरी जो राजा मुझे है ना परमार वाला तब से शाह लिख देना तो उधर शाह परमार वगैरह कर लेंगे ना वो शाह लिख देना तो कख बटे था ही आपसे कुछ जानकारी तारा नगरी हाँ जी तारा नगरी मध्य प्रदेश में पड़ता अच्छा तारा नगरी वो भी नहीं वो और जब वो राजा शो तो वो राजा मृत्यु होगी तो वो लड़का छाया तो ये लड़का तो जो बड़ो लड़का छो जिन गजब बैठे छो इतना ये नहीं पूजा भाव तीर्थ की यात्रा करने की वजह ही बहुत शौक छो जो कनखल मब्यो करी वो कनकपाल छा हाँ वो कनकपाल छा जो बावनगढ़ में लाया ना अजय पाल अच्छा ठीक अब लगा सन क्या कनकपाल अब लगा दी कनकपाल कहे सन में आओ सन सोन तो नहीं होना मालूम सन तो नहीं होना मालूम फर्स्ट आया था कनकपाल फर्स्ट कनकपाल आया था अच्छा तो वही ना अपना छोटा भाई था वो राज दीदी नहीं और वो चले हरिद्वार की तरफ हरिद्वार में पहुंचते हुए तो ही वो स्वप्न हुई तो कनखल में जाए तक तो इधर कोई राजकुमारी कोई राजा मिलो राजकुमार मिले तो तेरे सारे हो जाए उनको ठीक से तब जो जो राजा सोच चांदपुर गढ़ को चांदपुर हाँ तो राय हुए कि भी ये की लड़की सही तो वो दिन जब और लड़के शायद में बहुत ऊँचे हूँ मैं कि मैं अब अच्छा ये चांदपुर गढ़ जो चे ये की एग्जैक्ट लोकेशन क्या चीज मेरे घर में गढ़ थे दिखन चांद चांद हाँ वो एक जो करण प्रयाग से अगले जो चांदपुर गढ़ करण प्रयाग से आगे थोड़ा और वो गढ़ तक मुझे अगस्त मुनि तो ये तरफ लेगा अगले तरफ अपन जाना केदारनाथ शहर में अच्छा फिर रोड पर जाना अगले करण प्रयाग लास्ट में अगले से और अपन नौ दिन से तो वह पर वो जो गड़ी से तभी से राजपाल चलो था और तब वो राजा तक यही लड़की से तो सुनते थे भी सुकून हुई कि तू कन कल मजा तेरी लड़की गई वो फिर शादी हो जाए राजकुमार आ लो शादी हो जाए तभी दुई पार्टी मिली मिना बाद उन तक शादी होगी उनकी तो तब से अब वह लेकिन हो गई चांदपुर गड़ी में तब हूँ राजपाल से चलो तो वो राजा सोच हुए कि एक ही लड़की से राजा तभी परेशान हुई ये लोग शायद केदार बद्रीनाथ जी का कुछ भगत
तो भी स्वप्न हुए तुम अपने नदी के कणखल जाओ, तो कणखल गए तो हम मिलन हुए, मिलन होना बाद ब्योह हो गए, ब्योह होना बाद चले चांदपुर, चांदपुर गढ़ी है चांदपुर चलिए, चांदपुर गढ़ी में तो राज कर लगे राजा, चांदपुर गढ़ी में वो राज हो उससे कनक पाल वही राज चली तो राजा बन गए। और तब ये वहाँ का ये कैतरा लोग तो बिल्कुल सी जन बाद मंत्री जन बनी सी जन डाकू बनवास जो अभी भी छन जो हिंदाओ पट्टी का जो कैंतुरा छन वही कैंतुरा छन की अलग कैंतुरा छन कैंतुरा वही छन तो ये भी अच्छी जाति मनो कैंतुरा बार चौथी चौथी बार चौथी चौथी हाँ ये कैंतुरा ने बाद में कितने जब राज बार ये थे कनक बाद मिले ना तो यू वैसे पहले भी उन्होंने कुमाऊं में भी तुम लड़ाई कर लड़ी लड़े जब कुमाऊं लड़े लड़के तो बुरा हार बिंदा तो कुमाऊं में चंद्र लोग लड़ाई लड़ी उन्होंने जो राजेश हो कैदरों को वह बोले भाई कि मैं अपनी इच्छा से अपनी मेरी पब्लिक से नुकसान नहीं करा अपनी इच्छा से मैं तुमने राज पार दे दूँ अब सो कहीं डांडो छो फेमस डांडो जो एक नोम है याद नहीं होंगे फिर डांडा तक हम उन्होंने बनाया अपनी राजधानी और जब कुछ छह नहीं जो हम तब उन डाकू चोर बनी से कैंतरा तो या गुड़वा हो जा कभी कभी तने जहाँ जा चोरी करे जहाँ कभी गोर भैंस चोरी करे जहाँ बाहर ले जा तब तो तब से चोर टाइप हो गई सी कैंतरा और कैंतरो राय तक कभी तब उन तब बाद में तिल रोत तो नहीं करे लड़े या फिर उन शादी डाके डाल ना अच्छा तो तिल रोत ली तरी उन्हें करी लड़ाई कथी बार तिल रोत ली खदड़ी ने वो और गोड़ा गोड़ा भी गढ़ छोड़े गए गोला गोला गाँव तो अच्छा गोला गाँव तो भी बोल दो क्या हमारे राज्य में दगड़ी भी हाँ गुराड़ सिंह जख जो च हाँ गुराड़ सिंह जो च तिल रोंतली को हाँ तिल रोंतली गोराड़ भी गोराड़ वालों की लड़की छे गोला गाँव तो भी हाँ असली बीमारी से ये वो गांव याद में बीरों खाल का साइड में जो गांव का की अभी कुछ हाँ याद नहीं होना ना तब तक डेगी लोग रहना तब वो जो राजा सुनता हो शायद किस से हो जो कुछ तब तक वो एक शादी से मांगी थी वो ब्योनी नहीं हुई जो अच्छा तब यों की लड़ती लड़ती जंग पिताजी भी भाई भी ये गुराड़ वाला सिर्फ लड़ाई मर गई तो लड़ाई में मना बाद तब से फिर लड़ाई करते रहो से कैदरा माँ मिला तो लड़ाई करते रहो तो ये माँ ने बोली कि बेटी तो अभी हमारे यहाँ कुछ नहीं थे कोई चीज बची है भाई भी मरेंगे बाप भी मरेंगे मंगनी में गई वहीं से तब ये बोले कि मैं लड़ाई कर लूँ तब ये तो कि एक भी सहेली और मिली नहीं होती और तब उन्होंने भयंकर लड़ाई लड़ी नहीं बोली और जब लड़ाई कथी बार हरा भगाएंगे तब एक बार उन्होंने लड़ाई करी होने से उनसे भगे थे और नदी छह तो नदी में वो नया लगी तिल रोते अगला और तक ये घायल छो घायल से बैठो ना कहो सुझोता पढ़ो और झाड़े पेट और तय सुहायर तय ना वार कर दिन देना और सिर्फ खत्म हो तिल रोते तो तिल रोते कहानी ये थे और तो कि कैंतरू कहानी अब यह राजा कनकपाल हुए कनकपाल और राजपाल से दो तीन चार पीढ़िया बाद तब अजयपाल हुए राजा अजयपाल ने वह वो करे सोचे कि मैं पूरा गढ़वाल से ये करूँ यह बोल झा बोल जति बल चोटी तति बल गढ़ और जति बल जय जति टक्का तति सेठ जे में एक टक्का वसू सेठ बन जाऊँ से और जता चोटी छो तो गढ़ गढ़ होगी इनसे इन कावत छो एक बाद उन्होंने एक दिमाग माए जी मिले कि उन्हें सारे पूरा गढ़ बावन करते मिले थे तो उन बोल उन ये करी थी सब वो बोल हमारी शरणागत है जब कहीं लड़ाई भी करी कोई तो शरणागत भी आई परंतु जख भी जो शरणागति आई वो तो राजपाल अच्छा ये विलय करने को कारण क्या था बोले ये बन जाऊँ मैं सब
अच्छा तो कोई कोई दुश्मन आक्रमण कर था या अलग अलग आक्रमण तो मुगल कर था नहीं यार। अच्छा मुगल तो बहुत आक्रमण कर नहीं यार चार कर ले डाउन साइड ये नहीं बहुत लूटी ले जान सब। हां आक्रमण करेगा लूटी ले जान सब। और तब वो सब तो ही फरमान भेजेगा कि जो अपना आता है वो शरणागति आता है वो आ जाओ जो लड़ना चाहता है वो लड़ो स्वागत बहुत टकर तो वो लोग उन्होंने ना दिल से नहीं मांगे राजन तो छोड़ दी तू राज अच्छा राजन के कह रही तो लड़े कह रही है लड़े कनक बाद तो थे ब्लेम करी तो ब्लेम करी अरे हमसे बोले टैक्स दे देने तो हमारे अंडर में जब हमारे अच्छा मतलब राजपाट तो थे जो राजा साहब वो दिन तक दे दें तू चलो वो और कुछ टैक्स हमसे दे और तो सुखी रही चाहिए और वे के बाद जो है सब उन स्वीकार करे खाली कफ चवान निकल सुबह कफ चवान या टीरा भी नहीं चुको दो जड़े एक तक राजे से कौन होता है क्या मेरे मैं तो नहीं करूँ लड़ाई का मर जाऊँ ठीक है नहीं करता मैं तो तेरे सलाह बावन करो मैं शामिल नहीं चाहूँ ना। अच्छा हाँ तो बावन गढ़ में सुनो पर वो दादा शामिल नहीं चाहूँ विले विले नहीं चाहूँ तब तो झड़ हुई तब लड़ाई हुई तो तब वो सिर काटो तब राजेश चौहान जब पकड़ेगी ना जब राजेश चौहान की एक सिर में रख लू पर परंतु मैंने झटका मारे जब राज तलवार में झटका मारे सिर सिद्धू वे के दूसरे तरफ पर तो राजे मारे हुए थे माला जल उसने शरणांगति भी नहीं सुधारी तब तक तो राजे मारिए तो राजे खेल करे पर तब तो बाद विलय होने से तब बावन गढ़ ये इकट्ठा करिए ना पर जो गढ़ जग सा ना जो तक और ऊँच हो राजा तेईस दिन नहीं से और तो टैक्स तो दे रहे हम कहीं और जब हमने जगह बड़े सेना वगैरह ये हमारा सब मेरा अंडर रहना तब वो है करे तब वो ना दूर पड़ जाओ तो राजा ने कन यख देवलगढ़ बनाई देवलगढ़ में क्यों अब गढ़ बनाई देवलगढ़ का पौड़ी माचा पौड़ी मुझे ये धारी नहीं धारी बोलता मैं धारे अग्नि धारी दीप जग कलेश्वर से अग्नि से दैन कर अच्छा बहुत साल राज रहे राज रहना बाद वे वो तो तक भी राजपाट चलाए सेंट्रल पड़ सो तब जो गोरखा है ना गोरबंधु के हम बहुत करे अत्याचार करने के बाद बहुत बुरा अत्याचार करना आठ साल तक नहीं रखे राज करे गोरबंधु तो ये गोरखा जो है मसूर पहाड़ी बटन तब इन्होंने आठ साल या अठारह साल आठ साल अच्छा गोरबंधु और तब तक पाया नियंत्रण जा चुके हैं और तब इन्हें निगो चावल जन मार नहीं निगो ना बहुत बड़ी संख्या में और तब ये खेतों को राजा सुदर्शन 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 शाह पेट पर बच्चे जो छोटो अच्छा तो वो पिताजी नौ तो वो का बहुत लड़ाई करे गुड़ बुन आखिर राजा मारे गए और तब वो बच्चा पेट पर छो तो वो एक भी सुरक्षा कर लो तो वो तो मेरठ वगैरह भेजे कख रहे के शरण में अच्छा और जब से बड़े हो गए तभी उनको मंत्री वगैरह उन्हें समाधान कराए अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने बोले भाई 3 लाख रुपये लाओ का हमारा खर्चा अंग्रेज उनको जोर के भगे नहीं कि 3 लाख रुपये खर्चे लाओ उनको नहीं माने तो 3 लाख रुपये ज्यादा देना नहीं चाह तो राजन तब बोले भाई जो आधा गढ़वाल हम दे दे तब वे बाद विरोध भी छाता का विरोध भी छाना ये खंडी मंत्री मुंत्री जाने होगा तो सिख विरोध में चला गया और वो उनके अगर भाई तो चलो गंगा पार हम तो तब राजा ने वो नहीं पहले गढ़वाल सब दी रो तब वो भी दी दे तो तब सब गढ़वाल को था पौड़ी पौड़ी ब्रिटिश गढ़वाल बोलो पौड़ी गढ़वाल जैसे बोलो ना तो नाम ब्रिटिश गढ़वाल जो क्योंकि ब्रिटिश का अंदर चली चलो अंदर है तो सी तब ब्रिटिश गढ़वाल को चाहते पौड़ी गढ़वाल को तो ना तब तथा पार तो अंग्रेज राय रही आ गए तब और ये टीरी बुला जाए वो भी शिफ्ट करिए तब टीरी तब से खाली टीरी बुला जाए
नी एक तक एक कहानी वो भी लगना गजे सिंगा रणिहाट जो तैका बगल मचस। हाँ तो जे मैं ये चुए तब तब राजन तक राज श्रीनगर राजधानी में आए। अच्छा तब तक जो गजे सिंह जिस भी भर जो बहुत बड़ो। अच्छा और तब राजो को रणिहाट हो जो ना। हाँ हाँ रणिहाट मतलब वो जगह राजे की जो बहुत राजा थे जो बहुत सारे घर चाहे। हाँ हाँ तो उनसे जो तो फिर बनाए उसको बंगला किसी जगह पास में तो तय थे बहुत सारे रणिहाट तो जय गजे सिंह के माँ से ही तय सिब्बो छे कि रणिहाट नहीं जा मेरा तेरा क्या गजे सिंह रणिहाट ना जाओ तेरा सच में बहुत दुश्मन छन तेरा तो रणिहाट गजे सिंह तू दार में पे कुछ नहीं छो तो सिर्फ तकी कान से राजा दल लीजिए तब से खाली टीरे तब उन टीर बस आए हो तो टेरी बसाओ से टीरी बसा तो टेरी बन तब खाली टेरी राज दे ये राजा तब बाद में विलय हो गई हिंदुस्तान पर टेरी कभी कहेगा गुलाम नहीं रहे ये मेन खासियत टेरी ना। और यख हमारा यह बांगरगढ़ से आप लोग बांगरगढ़ मानो ना ना हम मानो ना नैल चैमगढ़ पर ये नैल चैम पट्टी जो बना हुआ ना ये जो नौ से ये नैल चैमगढ़ या कोई गढ़ नहीं ना नैल चैमगढ़ बताओ ना भिलंगे तरफ सागरीगढ़ नैल चैमगढ़ तो वो एक अंडर में सागर है अरे सागरीगढ़ नहीं अभी और जगन्नाथ अपने हैं जी वो का बैठ आए जी सागरी तो वे के बाद अब ये संकेतगढ़ भी खींचे अब के संगे मालूम नहीं जी कुछ क्या तो बांगरगढ़ मरण छा नागवंश राण तो अब तो सब गड़गुड़ सब टी एक चांदीगढ़ से हिंदो में तो सुतम में दिख रही कोठो 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 बोलो में दुई कोठ हिंदो चाचा रावत रावत दो हिंदो सर परंतु एक जो फाउंडेशन से ना जैसे नदी पर ठेर मारता अच्छा बहुत बचपन में देख छोड़ो मतलब से वो जो फाउंडेशन दीवार से शायद खड़ी बोल अभी हो लिया तो दुई भाई रे वाला या दुई कुछ रे वाला दुई कर हिंदाव हिंदाव पट्टी मार हिंदाव पट्टी मुझे अच्छा घनसाई में बस जाने और कोड़ी हुए हुए थे अच्छा 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 ग्यारह गांव हिंदाव के बुद्ध हाँ ग्यारह गांव तो और तो अभी अगर खुजे जाओ पंडित जी आप बताओ कि बावनगढ़ हमते कख मिल सकते कख हो ये पूरा बावनगढ़ कहल पहले तो बिजागढ़ छाए कर बाबू होते नहीं लेकिन कम से कम जो बावनगढ़ हो सिर्फ ना ही ना सुनो मगर दिखे ना नहीं चलते आप शिव चंद जो था अभी शिवगढ़ जो था अभी तुम्हारा शिव चंद ये पौड़ी में असवाल से हूँ असवाल से हूँ असवाल राज और पार्टी में ये बोले मैंने गोराड़ बोले ना तो गोराड़ में मिल जाते हैं खंडर के ये मकान जो बहुत बड़ो हमारा समझे को जो जनरल जगमोहन सिंह राव जी को तो उनको गुराड़ सोमा सबसे जो मकान ऐसे दिक्कत अब तो बहुत हो गई ना सी भाई से मकान बड़ा डिजन से बढ़ाए मिल जाएंगे अब तो सब खंडर हो गई मतलब खड़ जो मकान चलो भीतर दरवाजा खुले थे अब से लोग कोई जान नहीं गाँव के तब न वो बाघ हो जाओ कोई तो आगे पूरे मिल जाओ और गंगा देवी से हुई एक मंदिर प्रदस्त हूँ बहुत पहाड़ी पड़ गया ना बहुत जगह से नंदा देवी जात होने वो शिव जी वो और जब मैं ये की मूर्ति चिलो रोते
हाँ वो क्या बोलते नौगा खाल चौबटे खाल से पहल पुड़ गो आप जता भी शिव छन ये सब गढ़ छन ये